तलपट बनाते समय एक अकाउंटेंट को तलपट में 8,000 रुपए का अंतर ज्ञात हुआ। इस हिसाब को बंद करने की इच्छा से उसने इस अंतर को भूल चूक खाते यानी सस्पेंस अकाउंट में डेबिट में डाल दिया। अगले वर्ष उसको निम्नलिखित अशुद्धियां ज्ञात हुई। An account find a difference of rupees 8,000 while preparing trial balance. He debited this amount in suspense account to close the final account of the year. Next year, he found following errors. First, पुरानी मशीन के विक्रय से प्राप्त 200 रुपए को विक्रय खाते में लिख दिया गया। Rupees 200 received from sales of old machine was written in sales account. Second, रमानंद से 400 रुपए का माल खरीदा जो उसके खाते में क्रेडिट की ओर 400 रुपए दिखाया। गुड्स परचेज फ्रॉम रमानंद रुपीज 400 वॉज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज रुपीज 4,000। थर्ड, 1,000 रुपए का एक तिरस्कृत बिल बैंक ने लौटा दिया जो बैंक खाते में क्रेडिट और प्राप्य बिल खाते में डेबिट किया गया। बैंक रिटर्न अ डिसऑनर्ड बिल of rupees 1000 was credited to bank account and was debited in bills receivable account. Fourth, 200 रुपए सोहन से बट्टे के मिले जिसका लेखा सोहन के खाते में कर दिया गया परंतु बट्टे खाते में नहीं हुआ। Fourth, rupees 200 received from Sohan as discount were entered in Sohan's account but not written in discount account. फिफ्थ, पी शर्मा को 6,200 रुपए का ऋण दिया गया जो रोकड़ खाते में लिखा गया परंतु पी शर्मा के खाते में नहीं लिखा गया। फिफ्थ, अ लोन गिवन टू पी शर्मा ऑफ रुपीज 6,200 वॉज एंटर्ड करेक्टली इन कैश अकाउंट बट नॉट एंटर्ड इन पी शर्मा अकाउंट। सिक्स, श्याम का खाता उसके माल लौटाने पर 800 रुपए से डेबिट कर दिया गया। सिक्स, Shyam's account was debited by rupees 800 for goods return. इन अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए जनरल के लेखे कीजिए तथा उद्धृत खाता भी तैयार कीजिए। Prepare rectifying entries to correct above error and prepare suspense account. इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि जब तलपट बनाया गया तो तलपट में ये देखा गया कि 8,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। हमने देखा कि जब हम तलपट बनाते हैं तो दोनों डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड इक्वल आता है और हम ये मान लेते हैं कि जो भी हमने जनरल बनाया और उसके अकॉर्डिंग हमने लेजर बनाया और लेजर का जो बैलेंस था उसके आधार पर हमने तलपट बनाया और तलपट का डेबिट और क्रेडिट दोनों का योग टोटल जो है अगर वो मैच करता है तो हम ये मान लेते हैं कि हमने सारी प्रविष्टियाँ सही की हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है, कोई अंतर आता है, तो हम ये मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं हमसे कुछ भूल चूक हुई है, कुछ अशुद्धि हुई है। बहुत कोशिश करते हैं हम इस अशुद्धि को ज्ञात करने की, लेकिन अगर बहुत प्रयास के बाद भी वो अशुद्धि नहीं मिल पाती तो हम जो डिफरेंस की अमाउंट होती है उसको भूल चूक खाते या सस्पेंस अकाउंट में लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि डेबिट बैलेंस ज्ञात नहीं हो पा रहा था तो 8,000 की जो अमाउंट है वो हम डेबिट में डाल के लिख देते हैं। अब फिर से हमने वीडियो में देखा था कि किस तरह से हम ये जो अशुद्धियां होती है सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसको हम कुछ साल तक राइट ऑफ करते करते फिर समाप्त कर देते हैं। ढूंढते हैं हम कितनी की अशुद्धियां हुई हैं, कुछ रुपए जैसे जैसे पता चलते जाता है कि गलती कहाँ पे हुई है तो हम उसको राइट ऑफ करते जाते हैं और एक समय के बाद फिर वो अपने आप बंद हो जाता है। तो हर साल जैसे हम अशुद्धियों को ज्ञात करते हैं क्या गलती हुई उसको हम फाइंड आउट करते हैं, तो जब अगले वर्ष छानबीन की गई तो पता चला कि कुछ अशुद्धियां थी। तो पहली अशुद्धि यहाँ पर हमको मिली कि पुरानी मशीन के विक्रय से प्राप्त 200 रुपए को विक्रय खाते में लिख दिया गया। अब गलती यहाँ पर कहाँ हुई है कि मशीन था वो मशीन अपनी संपत्ति है, मशीन है तो उसको हमको माल खाते में नहीं लिखना है, विक्रय में हमको उसको डाल के नहीं लिखना है। यहाँ पर हमने ये गलती की है कि हमने उसको विक्रय खाते में डाल दिया जबकि एक फिक्स एसेट्स स्थायी संपत्ति से रिलेटेड ये एंट्री है। तो यहाँ पर हमारी सही एंट्री होनी चाहिए क्योंकि हमने मशीन बेचा है तो रोकड़ हमारे पास आएगी, तो हम यहाँ पर जनरल एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, रोकड़ खाता डेबिट मशीनरी खाता से। ये हमारी सही अशुद्धि
ये हमारी सही प्रविष्टि होनी चाहिए। हमने गलती कहां पर की? हमने इसमें लिख दिया रोकड़ खाता डेबिट विक्रय खाता से। तो हम गलत कहां पर है? हमको विक्रय खाता क्रेडिट नहीं करना चाहिए था। अब इस अशुद्धि को राइट ऑफ करने के लिए, समाप्त करने के लिए हमने जो गलती की है उसकी अपोजिट एंट्री हम कर देंगे। तो गलत हमने क्या किया था? विक्रय खाते को हमने क्रेडिट करके गलत किया था। अब इसको राइट ऑफ करने के लिए हम विक्रय खाते को पलट देंगे, यानी कि डेबिट कर देंगे। तो प्रॉपर हमारे यहाँ पर संशोधित प्रविष्टि हो जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी सोल्ड एंड रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, विक्रय खाता डेबिट मशीन खाता से, मशीन के विक्रय की गलत प्रविष्टि की गई। और फिर कितनी अमाउंट है ये? 200 रुपए के अमाउंट है, 200 के अमाउंट है, इसको हम अमाउंट के डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे। सेकेंड एंट्री है, रामानंद से 400 रुपए का माल खरीदा जो उसके खाते में क्रेडिट की ओर 400 रुपए दिखाया गया। अब हमको सही एंट्री हमारी क्या करनी चाहिए थी? हमने रामानंद से माल खरीदा, यानी हमको यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि उधार माल खरीदा। यहाँ हमारी जनरल एंट्री होनी चाहिए परचेस अकाउंट डेबिट टू रामानंद, क्रय खाता डेबिट रामानंद के खाते से। गलती हमने कहा कि उसके खाते में क्रेडिट की ओर 400 रुपए दिखाया गया। सेकेंड पॉइंट यहाँ हम देख रहे हैं, 1000 रुपए का एक तिरस्कृत बिल बैंक ने लौटाया जो बैंक खाते के क्रेडिट और प्राप्य बिल खाते में डेबिट किया गया। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि अगर बैंक का एक डिसऑनर्ड बिल था, अगर ये बैंक वापस करता है तो यहाँ पर हमारी प्रविष्टि होती है, हमने विनिमय विपत्र में देखा कि प्राप्य विपत्र खाता, तो यहाँ पर हमारी एंट्री होगी स्वीकर्ता का व्यक्तिगत खाता डेबिट प्राप्य विपत्र खाता से, एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देख रहे हैं, 200 रुपए सोहन से बट्टे के मिले जिसका लेखा सोहन के खाते में कर दिया गया परंतु बट्टे खाते में नहीं किया गया, यानी गलत कोई प्रविष्टि नहीं की गई। सोहन से मिला है तो उसके लिए हमको एंट्री करनी चाहिए थी रोकड़ खाता डेबिट बट्टा खाता से। यहाँ पर सोहन के खाते में तो एंट्री हुई है लेकिन बट्टे खाते में कोई एंट्री नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं जब बट्टा की कैलकुलेशन हम करते हैं, बट्टा खाता हम बनाते हैं, तो वहां पर डिफरेंस आ जाएगा। और क्योंकि ये प्राप्त हुआ है, बट्टा मिला है, इसलिए बट्टा यानी कि डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट होगा, तो फिर डेबिट क्या होगा? इसका अपोजिट हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में जो अमाउंट नहीं मिल पा रही ढूंढने से भी उसको हम सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो प्रॉपर यहाँ पर एक जनरल एंट्री हम करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट। और नरेशन हम लिख सकते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड नॉट एंटर्ड इन डिस्काउंट अकाउंट, और 200 रुपए से हम इसकी एंट्री करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे देख रहे हैं, पी शर्मा को 6200 रुपए का ऋण दिया जो रोकड़ खाते में लिखा गया परंतु पी शर्मा के खाते में नहीं लिखा गया। अगर हम पी शर्मा को ऋण देते हैं और अगर हम ये देखें कि पी शर्मा की ओर से ये प्राप्त किया जा रहा है, तो यहाँ जनरल एंट्री होगी पी शर्मा डेबिट टू कैश, क्योंकि हम उसको भुगतान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या गलती हुई कि रोकड़ खाते में लिखा तो गया, हमने रोकड़ खाते में तो लिख दिया लेकिन पी शर्मा के अकाउंट में हम नहीं लिखा हमने, यानी पी शर्मा का अकाउंट डेबिट होता है लेकिन दूसरे पक्ष में हम इसकी एंट्री नहीं करते, तो डिफरेंस के जो अमाउंट मिलती है उसको हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। यानी प्रॉपर हमारे यहाँ जनरल एंट्री हो जाती है, पी शर्मा डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। और नरेशन हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लोन गिवन टू शर्मा नॉट एंटर्ड इन हिज अकाउंट ₹6,200। लास्ट पॉइंट हम यहाँ पे देख रहे हैं, श्याम का खाता उसके माल लौटाने पर 800 रुपए से डेबिट कर दिया गया। श्याम अगर माल लौटाता है तो जनरल एंट्री होनी चाहिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू श्याम। तो टू श्याम ये हमने तो लिखा लेकिन हमने रॉन्गली डेबिट कर दिया इसको, 800 रुपए से हमने डेबिट कर दिया, जबकि वो है क्रेडिट का पॉइंट, क्योंकि श्याम का खाता उसके माल लौटाने पर डेबिट किया गया है, यानी कि श्याम से माल वापस आ रहा है। तो क्योंकि शाम का खाता क्रेडिट होगा तो वो तो हम एंट्री यहाँ पर क्रेडिट में करेंगे, लेकिन डेबिट में फिर हम क्या लिखें, यानी इसके विपरीत हम क्या प्रविष्टि करें? तो हमने देखा कि कुछ भी नहीं मिलता है तो हम उसको सस्पेंस अकाउंट में डालकर लिख देते हैं। तो प्रॉपर हमारे यहाँ पर जनरल एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू श्याम। और नरेशन यहाँ पर हम लिख सकते हैं, श्याम अकाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू रिटर्न ऑफ गुड्स। अब क्योंकि हमने जो जनरल एंट्री तैयार कर ली है इसके अकॉर्डिंग हमको बनाना है सस्पेंस अकाउंट, तो जनरल की पोस्टिंग के आधार पर हम लेजर बनाएंगे, सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। फर्स्ट एंट्री यहाँ पर हम देख रहे हैं, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, तो ये इसका इफेक्ट तो कहीं पे सस्पेंस अकाउंट पे पड़ नहीं रहा है, तो
इसको हम कुछ नहीं करेंगे। सेकेंड, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एंट्री हुई है यहाँ पे रामानंद अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, तो फिर हम रामानंद अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रामानंद और 3600 से इसकी एंट्री हम करेंगे। फिर हम थर्ड पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पर एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, जबकि हमने डिसऑनर्ड के बारे में देखा था कि बिल डिसऑनर्ड हो गया और रॉन्गली हम उसको बुक में एंटर्ड कर दिया है हमने, तो यहाँ पर अभी फिलहाल सस्पेंस अकाउंट इसे कहीं पे भी प्रभावित नहीं हो रहा, तो इसकी एंट्री हम यहाँ कहीं नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं फोर्थ, हमारी जनरल एंट्री हुई है सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट, तो इसको हम सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू डिस्काउंट अकाउंट 200 से। फिर फिफ्थ पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है पी शर्मा डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, यानी कि सस्पेंस अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो रहा है, तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में पी शर्मा के अकाउंट को हम लिखेंगे बाय पी शर्मा अकाउंट और 6200 से हम इसकी एंट्री करेंगे। लास्ट पॉइंट में सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट हुआ है, तो यहाँ पर हम सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू श्याम और यहाँ हम लिखेंगे टू श्याम अकाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू रिटर्न ऑफ गुड्स और 1600 से हम इसकी एंट्री कर देंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का जो टोटल है वो बैलेंस उसका बराबर हो जा रहा है। निम्नलिखित अशुद्धियां एक कंपनी की पुस्तकों में पाई गई, उनका सुधार करने के लिए उचित जनरल प्रविष्टियां कीजिए तथा उद्धृत खाता बनाइए। पहला, विक्रय पुस्तक का योग 800 रुपए से कम लिखा गया। फॉलोइंग एरर वेर फाउंड इन अ कंपनीज बुक टू रेस्टिफाई देम, पास जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। फर्स्ट, द टोटल ऑफ सेल्स बुक वॉज अंडर कास्टेड बाई रुपीज 800। सेकेंड, अजय के खाते में 1100 रुपए अधिक क्रेडिट कर दिए गए। सेकेंड, द अजय अकाउंट वॉज क्रेडिटेड बाई रुपीज 1100 मोर। रोकड़ बही के डेबिट पक्ष की कटौतियों का मासिक योग 50 रुपए खाता बही में कटौती खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा गया। थर्ड, द मंथली टोटल ऑफ रुपीज 50 ऑफ डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज रिटर्न रॉन्गली इन द क्रेडिट साइड ऑफ डिस्काउंट कॉलम। फोर्थ, 1300 रुपए का माल जो अमोद को बेचा गया था प्रमोद के खाते में डेबिट कर दिया गया। पॉइंट फोर्थ, गुड सोल्ड टू अमोद ऑफ रुपीज 1300 वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू प्रमोद अकाउंट। फिफ्थ पॉइंट, एक चेक 1000 रुपए का मदन से प्राप्त हुआ परंतु उसके खाते को 600 रुपए से क्रेडिट किया गया। अ चेक फॉर रुपीज 1000 रिसीव फ्रॉम मदन वॉज क्रेडिटेड इन हिज अकाउंट एज रुपीज 600। सिक्स पॉइंट, एक चेक 2000 रुपए का सुरेश से प्राप्त हुआ था रमेश के खाते में गलती से क्रेडिट किया गया। सिक्स, A check of rupees 2000 received from Suresh was wrongly credited to Ramesh account. इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले सेल्स बुक का जो टोटल है अंडरकास्टेड है वो कम लिखा गया, तो इस कंडीशन में अगर कम लिखा गया है तो हम इसको पलटते नहीं है, सेल अगर क्रेडिट होता है तो वो क्रेडिट ही रहेगा यहाँ पर, इसके विपरीत जो एंट्री होगी वहां पर हम सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विक्रय पुस्तक का योग 800 रुपए से कम लगाया गया, तो विक्रय क्रेडिट होता है तो वो क्रेडिट साइड में ही रहेगा, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और नरेशन हम लिख सकते हैं सेल्स बुक अंडरकास्टेड और 800 रुपीज से हम इसके अमाउंट लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट हम देख रहे हैं द अजय अकाउंट वॉज क्रेडिटेड बाय रुपीज 1100 मोर, अजय का जो अकाउंट है वो 1100 रुपए अधिक शो कर रहा है, यानी यहाँ पे बात आ रही है अधिक लिखने की, ओवर कास्टिंग की, तो यहाँ पर हम इसको पलट देंगे इस एंट्री को, जैसे यहाँ पर आ रहा है कि टू अजय अकाउंट वॉज क्रेडिटेड, अजय का अकाउंट क्रेडिट किया गया, लेकिन यहाँ पर जो 1100 की जो अमाउंट है वो मोर है, जितना उसके अकाउंट में लिखना चाहिए था उससे ज्यादा है, तो यहाँ पर हम पलट देंगे इस एंट्री को, अजय का अकाउंट जो क्रेडिट था उसको हम डेबिट कर देंगे, तो प्रॉपर यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी अजय डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट और यहाँ नरेशन हम लिख सकते हैं अजय अकाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड और 1100 से हम इसकी एंट्री करेंगे।
थर्ड पॉइंट हम देख रहे हैं द मंथली टोटल ऑफ रुपीज 50 डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज रिटर्न रॉन्गली इन द क्रेडिट साइड ऑफ डिस्काउंट कॉलम। यहाँ पर हमने क्या गलती की है कि डिस्काउंट के बारे में जो रोकड़ बही के डेबिट पक्ष में कटौती का जो मासिक योग है, जब हम जनरल लेजर बनाते हैं तो हम देखते हैं कि डिस्काउंट का हम बैलेंस नहीं निकालते बल्कि डेबिट का टोटल अलग लिख देते हैं और क्रेडिट का टोटल हम अलग लिख देते हैं। तो मिस्टेक कहाँ पे हुई कि रोकड़ बही के डेबिट पक्ष में जो टोटल था डिस्काउंट का वो उसका जो मंथली टोटल हम करते हैं वो उसका योग ₹50 खाता बही में कटौती खाते के क्रेडिट पक्ष में गलती से लिखा गया। ₹50 ऐसा था जिसको क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, गलती से क्रेडिट हो गया। तो एक तो इसमें डबल इफेक्ट हो जा रहा है, एक तो डेबिट की जगह क्रेडिट में लिखा जाना और दूसरी बात कि दो बार उसका हम लिख दिए ना, डबल इफेक्ट हो गया। 50 50 100 रुपीज से हमको इसको रॉन्ग एंट्री को हमको सुधार के रेस्टिफाइड एंट्री यहाँ पे करनी है। तो यहाँ हमारा क्योंकि डिस्काउंट की बात हो रही है तो हमको देखना पड़ता है कि डिस्काउंट हमने दिया है कि डिस्काउंट हमको प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर क्रेडिट पक्ष में गलती हुई है तो और ज्यादा हुई है, तो यहाँ पर हमको उसको पलटना पड़ेगा, डिस्काउंट को डेबिट में लाना पड़ेगा और जो विपरीत जो सेकेंड पार्ट जो बच गया क्रेडिट का वहां पे फिर हम सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे। तो प्रॉपर एक अगर हम देखें तो हमारी जनरल एंट्री यहाँ पर हो जाएगी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम रॉन्गली क्रेडिटेड और 100 से हम इसकी एंट्री करेंगे। और फोर्थ पॉइंट में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि गुड्स सेल किया गया है अमोद को लेकिन गलती से हमने प्रमोद के अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो अब इस गलती को सुधारने के लिए हम इसकी उल्टी एंट्री कर देंगे, पलट देंगे हम इसको, यानी अमोद को माल बेचा गया है तो अमोद तो डेबिट होगा लेकिन प्रमोद को डेबिट करके हमने जो गलती की थी उसको सुधारने के लिए हम प्रमोद को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी अमोद डेबिट टू प्रमोद और नरेशन यहाँ पर हम लिखेंगे गुड सोल्ड टू अमोद रॉन्गली पोस्टेड टू प्रमोद अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मदन से एक चेक हमने प्राप्त किया था 1000 का लेकिन गलती से हमने 600 ही लिखे, यानी जनरल एंट्री तो हमने सही, यहाँ पर हमने जनरल एंट्री की है कैश अकाउंट डेबिट टू मदन अकाउंट, लेकिन मिस्टेक कहाँ पे हुई है, 1000 लिखने की जगह पे हमने 600 लिख दिया, यानी 400 हमने यहाँ पर कम लिखा। तो अब हम 400 से इस बचे हुए अमाउंट से फिर से यहाँ पर एंट्री कर देंगे। तो टू मदन तो हमने सही किया था क्योंकि मदन से हमने प्राप्त की है राशि, लेकिन डेबिट में हम क्या करें तो हम इसको सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मदन और यहाँ हम नरेशन लिखेंगे चेक रिसीव फ्रॉम मदन पोस्टेड बाय लेस अमाउंट, जितनी अमाउंट से हमने कम लिखी थी राशि उतनी अमाउंट अब यहाँ पर हम और लिख देंगे और 400 से सिर्फ यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ₹2000 का एक चेक सुरेश से प्राप्त हुआ है और गलती से हमने इसको रमेश के खाते में क्रेडिट कर दिया, यानी हमको यहाँ पर एंट्री करनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश और यहाँ पर क्योंकि रमेश के अकाउंट को क्रेडिट करके हमने गलती की है तो हम अब पलट देंगे इस एंट्री को, हम यहाँ पर एंट्री कर देंगे रमेश डेबिट टू सुरेश अकाउंट और नरेशन यहाँ पर हम लिख सकते हैं चेक रिसीव फ्रॉम सुरेश रॉन्गली क्रेडिटेड टू रमेश अकाउंट और 2000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। अब इस जनरल एंट्री के आधार पर जब हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट एंट्री हमारे जो है उसमें सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है और सेल्स अकाउंट क्रेडिट, तो हम सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 800 से। उसके बाद हम सेकेंड एंट्री यहाँ पर हमने की है अजय डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, तो हम सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय अजय। थर्ड एंट्री हम देख रहे हैं डिस्काउंट अकाउंट हमने डेबिट किया है और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय डिस्काउंट अकाउंट और 100 से हम इसकी एंट्री करेंगे। फोर्थ पॉइंट में सस्पेंस अकाउंट कहीं पे भी प्रभावित नहीं हुआ है। फिफ्थ पॉइंट में हम देख रहे हैं कि सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है और मदन अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो हम सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू मदन अकाउंट 400 से। सिक्स पॉइंट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रमेश का खाता डेबिट हुआ है सुरेश के खाता से, तो यहाँ पर भी सस्पेंस अकाउंट कहीं पे प्रभावित नहीं हो रहा है, यहीं पर हम सस्पेंस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। कैलकुलेशन हम इसके कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि दोनों साइड में 1200 से सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जा रहे हैं।